चंडीगढ़ के एस एस पी कमरदीप कौर अज न्यूज़ 18 के न्यूज़ रूम च पहुंचे हैं तो उन्होंने गलबात भी करांगे। चंडीगढ़ की असी गल कर लिए, लॉ एंड ऑर्डर की गल कर लिए, सीसीटीवी कैमरेज की गल कर लिए, नाइट पेट्रोलिंग की गल कर लिए, साडा स्टाफ जिहड़ा लेडी स्टाफ है उन्होंने भी कई सवाल ने, उन्होंने भी गल करांगे। सब तो पहला एस एस पी कमरदीप कौर का स्वागत है मैम, सब तो पहला स्वागत है तुहाडा। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। मैडम अज तुसीं न्यूज़ रूम से आए हो तो कई साडे जिहड़े स्टाफ ने वो कई क्वेश्चन भी करना चाहते तुहाडे तो। सब तो पहला लॉ एंड ऑर्डर की असी गल कर लिए, लॉ एंड ऑर्डर नू लैके तुसीं किस तरह काम कर रहे हो क्योंकि ट्राई सिटी का पार्ट है। चंडीगढ़ तुसीं जानते हो जी लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह बहाल है, पूरी तरह चंडीगढ़ पुलिस मुस्तैद है। अलग अलग विंग साडे पुलिस स्टेशन ऑपरेशन टीम PCR हर वेले हर वक्त सड़कों पर ने पब्लिक की सेफ्टी लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। चंडीगढ़ की PCR का रिस्पोंस टाइम पूरे देश चो सब तो घट है, तकरीबन 4 मिनट तो घट विच भी PCR इमीजिएटली पहुँच जाती है तो जिहड़ा भी कंप्लेनेंट है उन्होंने रिस्पोंड करती है। ठीक है, तो मैम कुछ साडे कोलीग्स ने वो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, सुदेश साडे नाल ने, सुदेश कुछ सवाल। सबसे पहले तो ये जब वर्दी में किसी लड़की को हम देखते हैं तो सबसे पहला सवाल है कि वो बहुत बोल्ड होंगी और कैसे इस मुकाम तक कैसे पहुंचूं, तो आपका बैकग्राउंड क्या है, कैसे आपके अंदर कब आपने सोचा कि मुझे मतलब ये काम करना है, ये जॉब करनी है, प्रोफेशन चूज़ करना है। मुझे जी शुरू से ही बचपन से ही जब से मैं स्कूल में थी मुझे सिविल सर्वेंट्स को देख के काफ़ी इंस्पिरेशन आती थी और शुरू से चाहती थी। एक मेरे फादर बोलते थे सुरभि सीरियल आता था दूरदर्शन पे तो कहते थे कि उसको देखना चाहिए, तो शुरू से ये इंस्पिरेशन थी। और जब कॉलेज के बाद फिर हमने कॉलेज ख़त्म किया तो सोचा कि UPSC की तैयारी करेंगे। पहली बार क्या वो मोमेंट था जब आपको लगा कि हाँ मतलब UPSC करना है, मैंने सर्विस ही करनी है, समाज के लिए कुछ करना है, या कोई रोल मॉडल था आपका जिसको देख के आपको लगा हो कि हाँ मुझे मतलब अब यही काम करना है ज़िंदगी में? रोल मॉडल मुझे लगता है कि कभी एक इंसान नहीं होना चाहिए, और मैं अपनी मोटिवेशन अलग अलग लोगों में से डिराइव करती थी, अपने फादर मदर और जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ पब्लिक लाइफ में थी तो सबसे इंस्पिरेशन अलग अलग चीज़ों की लेते रहते थे, जिसमें जो अच्छी बात है वो अपनानी चाहिए हमेशा। और धीरे धीरे ऐसा व्यू पॉइंट बना और जब कॉलेज के बाद हमने तैयारी करनी शुरू की और फर्स्ट अटैम्प्ट दिया उसमें नहीं हुआ और सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा फिर सिलेक्शन हुआ। बहुत सारे लोग ये शुरुआत तो करते हैं कि UPSC की तैयारी करेंगे लेकिन एक अटैम्प्ट में दो अटैम्प्ट के बाद वो हिम्मत हार जाते हैं, मतलब ऐसा क्या क्या आपने क्या अपने आपको मोटिवेट करने के लिए कि एक अटैम्प्ट नहीं हुआ सेकेंड अटैम्प्ट में फिर ट्राई करते हैं? अपने आपको मोटिवेट रखने के लिए कुछ खास स्पेशल कुछ आप करती थी, कोई फॉर्मूला था आपके पास? आई थिंक जब हमारा एम क्लियर हो और गोल क्लियर हो तो उसकी तरफ अपने आप बंदे की ह्यूमंस की ड्राइव हो जाती है, तो बिकॉज एम बहुत क्लियर थी कि करना ही करना है और डिटर्मिनेशन अच्छी थी इसलिए हमने दोबारा मैंने सेकेंड बार भी ट्राई किया। और मुझे लगता है कि सिर्फ अगर नहीं भी होता है तो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, और अलग अलग करियर ऑप्शंस सबके लिए अवेलेबल होती हैं। बिल्कुल, और आई थिंक और करियर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करनी चाहिए अगर UPSC में नहीं होता तो। बिल्कुल, जिदा मैम ने दसिया तो होर भी साडे कोलीग्स ने गौरव कोलीग ने गौरव मैम से कुछ। मैम सबसे पहले तो ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, अभी ये PGI वाला रिसेंटली केस था, ये कितनी कर अपॉर्चुनिटी थी, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए एक केस ये सॉल्व करना? अभी मैं इसकी खबर लिख के हटा था कि एक नए नए खुलासे हो रहे हैं, उन्होंने इंजेक्शन कैसे YouTube से सीखा बनाना, अब उसमें नया बात आई सामने कि उन्होंने YouTube से सीख के वो इंजेक्शन तैयार किया और वो 10 लाख का गेम हुई, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए भी? एक मतलब ब्लाइंड ही था एक तरह के लिए। लेटेस्ट है मैम ये, बहुत ही देखो इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग केस। वन, इट वाज वेरी सैड दैट अ पर्सन जो कोई अननोन बंदा आके कोई इंजेक्ट कर जाए, एंड सेकेंडली बिकॉज शी वाज अ न्यू मदर, उसका अभी 15-16 दिन का बच्चा है, सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर अस बिकॉज इट वाज अ ब्लाइंड केस। बट आई थिंक ड्यू डिलिजेंस और डिटर्मिनेशन के साथ हमारी टीम्स ने बहुत अच्छा काम किया। 5 दिन लगे रहे, हर बंदा जो PGI में वार्ड में था सबकी क्वेश्चनिंग की, उसको आइडेंटिफाई किया, उसको फॉलोअप किया, पकड़ा, एंड नॉट जस्ट हर, जो भी पीछे चेन में सारे इन्वॉल्व थे सबको पकड़ा है। सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग बट इट वाज वेरी सैटिस्फाइंग फॉर अस दैट वी कुड ब्रिंग हर जस्टिस। बिल्कुल, ऑनर किलिंग दी प्लानिंग सी, रणबीर राणा जी साडे नाल ने। मैडम बिल्कुल मैडम, सवाल यह है कि एक तो सिटी ब्यूटीफुल है तो सानू लगता है कि सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ ब्यूटीफुल रखने से तुहाडा भी बहुत वड्डा हाथ है, क्योंकि हर एक शहरी जिहड़ा चंडीगढ़ का ट्राई सिटी का वो चाहता है कि क्राइम ना हो, पीस हो, पर जो क्राइम होंगे फिर थोड़ा फस्ट एक्शन की होंगे, की करते हो, की लगता है कि करना चाहिए तो की करते हो? देखो तुम जिमें क्या सिटी ब्यूटीफुल है तो सिटी सेफ भी है, मैं कहूँगी तो साडा बहुता टाइम चंडीगढ़ च क्राइम प्रिवेंशन से ज़्यादा जाता है। असं चाहते हैं इस तरह के मकैनिजम्स इन प्लेस हो, पुलिस डिप्लॉयमेंट एवं होवे, PCR डिप्लॉयमेंट एवं हो कि पहले तो क्राइम होवे ही ना, जिद क्योंकि सानू इन्हें अच्छी शांतिपूर्वक सिटी है तो बड़े अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਨਡਿਟੈਕਟਿਡ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ CCTV ਕੈਮਰਾ ਸਾਡੇ PCCC ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਜਿੰਨੇ CCTV ਕੈਮਰਾਜ਼ ਲੱਗੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੌਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਟਰੇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਟੀਚਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੋ ਉੱਧਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਰਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਮ ਰੈਜੀਡੈਂਟਸ ਲਈ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਰੈਜੀਡੈਂਟਸ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਵਰਸ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਮ ਸੁਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ चैलेंज की बात हो रही तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि साइबर क्राइम बहुत बढ़ता जा रहा है और जो तरीके हैं मतलब हफ्ते दर हफ्ते वो बदल जाते हैं साइबर क्राइम में तो उससे कैसे टैकल करती हैं आप किस तरीके से कोई बड़ा चैलेंज अभी तक जो सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने अभी तक आया हो और कोई मैसेज देना चाहें क्योंकि लोगों को बहुत अवेयर किया जा रहा है लेकिन उसका असर अभी इतना ज़्यादा देख नहीं पा रहे हम साइबर क्राइम में सबसे बड़ा चैलेंज है अवेयरनेस लोगों की और यही हम कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस सबसे ज़्यादा हो साइबर क्राइम तभी होगा जब हमें प्रोसीजर्स के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं होगी और हम किसी ना किसी प्रे बन जाएंगे किसी ना किसी अटैकर पे तो चंडीगढ़ पुलिस की साइबर क्राइम में स्पेशल टीम हमारी डेडिकेटेड टीम है स्पेशल पुलिस स्टेशन है साइबर क्राइम का जो बहुत सारे स्टेट्स में नहीं है सेकेंडली हम अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं पिछले एक साल में 200,000 से ज़्यादा लोगों को हम डायरेक्टली टच कर चुके हैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स में स्पेशली सीनियर सिटीजन जिनको टारगेट किया जाता है उनको हम वो करके अवेयरनेस उनमें पैदा कर रहे हैं कि कोई भी OTP शेयर ना करें क्लीन सर्फिंग या सैनिटाइज सर्फिंग क्या होती है इंटरनेट पे वो उनको समझाते हैं तो आर पर्पज़ इज़ अवेयरनेस ऑफ पीपल तो बिल्कुल जिदा गौरव शुक्ला साडे नाल ने गौरव तुहाडे भी कोई सवाल सी बिल्कुल मैं बेसिकली एक चीज़ समझ नहीं चाह रहे हैं कि जे दिन च सानू सामने पुलिस नज़र आ जाए तो घबराहट होने लग जाती है मैं आम लोगों की गल कर रहा रात को पुलिस देख जाए तो बंदा सेफ फील कर लग जाता यह होंगे तो दूजा मेरा सवाल यह है कि लोग सेफ फील करते किमें कि तुसी पेट्रोलिंग वधा दो पुलिस दियां मैं चंडीगढ़ रात को मेरा रूटीन है कि मैं लेट नाइट ही ऑफिस तो निकलता है तो बहुत सारे चौंक के उत्ते पुलिस दियां जिहड़ियां PCRs होंदियां अवेलेबल होंदियां है कि वो सेफ्टी का लोगों को एहसास करवांदियां मैं स्पैशली फीमेल्स का जिक्र कर रहा तुसी सिटी ब्यूटीफुल है तो सिटी सेफ भी है इस पॉइंट तक किमें पहुँचती है पुलिस कि तुसी खुद ही समझते हो कि हाँ हुण सिटी सेफ भी है तो सिटी ब्यूटीफुल तो चलो हैगी है मैं ये समझना चाह रहा कि लोग किमें सेफ महसूस करते हैं जो पुलिस के जोड़े कदम होंगे उन्होंने लैके जी साढ़े जिमें तुसी कहा कि साड़ी पुलिस प्रेजेंस ते बड़ी जोर रहा है पुलिस प्रेजेंस का मतलब यह है कि जिथे भी कोई लैट से कोई स्नैचिंग इंसीडेंट हो जाता कोई ईव टीजिंग इंसीडेंट हो जाता है लोगों को स्टोनस थ्रो अवे ही पुलिस की प्रेजेंस उत्थे डिप्लॉयमेंट मिल जाए जिहड़ा क्रिमिनल भी है वह भी उत्थे एक्ट करता है जिथे दूर दूर तक पुलिस की प्रेजेंस ना हो जे साड़ी कोई पिकेट छोटा नाका कितने भी दिख जाएगा स्नैचर उत्थे आम तौर पर अटैक नहीं करते पैटर्न जिहड़ा शामां नूं भी असीं देखदे हां ईवनिंग्स कदी स्नैचिंग हो जाती है उत्थे हुंदी है जिथे साडा नाका नहीं है तो जिथे सिक्लूडेड एरियाज़ है तो साड़ी डिप्लॉयमेंट की प्लानिंग हमेशा उवें रहिंदी है कि जिथे सेंसिटिव एरियाज़ है उत्थे असीं कोशिश करते हैं पुलिस की प्रेजेंस होवे रात नूं जिवें तुसीं कहा असीं स्पैशल एक नाइट चैकिंग प्लान असीं बनाया जदों मैं इत्थे आई उहदे च असीं साडे जिहड़े परमानेंट पिकेट्स है नाका पुलिस दे लगदे हैं रात लई ते PCR दोनों नूं असीं सप्लीमेंट कीता है जिथे नाका है PCR उस तों दूजी जगह जाके कवर कर लेगी तो हूँ मैं लगता जो असी रात में मैं भी चैकिंग निकलती हूँ मोस्टली साढ़े जोड़े मेन चौंक है उत्थे PCR व्हीकल्स कवर्ड होंगे हैं पब्लिक में यह परसैप्शन जाती है कि पुलिस क्योंकि उत्थे है तो कोई भी इंसीडेंट होंगे इमीजिएटली मेरे को हेल्प पहुँचेगी जिद एक सेंस ऑफ सेफ्टी पब्लिक को आती है ऑडियंस है न्यूज 18 पंजाब की मैसेज के जरिए भी आती है एक लोगों का कंसर्न खास तौर पर चंडीगढ़ में लैके ये होंगे शायद तुम सहमत ना होवो कि जदों तक रेड लाइट ऑन होंगी है मतलब प्रॉपर वर्क कर रही है तो रेड लाइट क्रॉस करके तो पुलिस वाले नज़र आ जाते हैं कि जिमें तुम क्रॉस की या तो कैमरे पकड़ लैणगे नहीं तो अगे जाके कोई रोंग साइड तो आ गया तो पकड़ लैणगे कि अगर रेड लाइट की प्रॉब्लम है कोई खराब है फिर पुलिस वाले नहीं होंगे कि ये उल्टा नहीं होना चाहिए कि जो रेड लाइट खराब है उस समय तो ज़्यादा उन्होंने प्रेजेंस की लड़ होंगी है बजाय इस जो ठीक है तो उस समय चलान करने वास्ते उत्थे रहन
नहीं मैं दसना चाहवांगी कि जदों तो साढ़े पी ट्रिपल सी दा साढ़ा इनोग्रेट होया प्रोजेक्ट मानयोग केंद्रीय गृह मंत्री उन्हों इनोग्रेट करके गई सी उस तो बाद एनफोर्समेंट वाला काम स्पेशली रेड लाइट जंपिंग वाला काम जड़ा है हुन कैमराज कर रहे हैं तुसी जानते हो कि पिछले साल काफ़ी सबसटैशियल नंबर ऑफ चलान हुए इस साल पूरे तो ट्रैफिक पुलिस का काम हूँ ज़्यादा ट्रैफिक रेगुलेशन पर ही है इनफैक्ट नाओ द अप्रोच हैज़ एंटायरली चेंज जिमें दस रहे हो जिथे कैमरा जिथे लाइट्स नहीं चल रही थे लाइट्स नहीं वर्किंग उत्थे तुहानू ट्रैफिक पुलिस का मुलाजम जरूर मिलेगा क्योंकि उन्होंने काम ही हूँ रेगुलेशन है चलानिंग हूँ काम सारा ऑटोमेटेड हो चुका ठीक है एक होर मेरा जो स्टाफ के इतने मैंबर्स हैं बहुत सारिया फीमेल्स हैं जो रात को 11 बजे ऑफिस तो निकल दी हैं उन्होंने तुम कोई सुजैशन देना चाहोगे कि जो जा रही हैं तो कोई दिमाग के गल रख हो सकता कि हर चौंक के उत्ते उन्होंने पुलिस की टीम ना दिखे आई थिंक दो तीन प्रिकॉशन जिहड़ियां असी ले सकते हैं आप एज पुलिस ऑर्गनाइजेशन असी ये ध्यान रखते हैं कि साडी डिप्लॉयमेंट इन्नी इनफ हो कि सारे लोग स्पेशली फीमेल सेफ फील करन मैं आप क्योंकि चंडीगढ़ की रेजिडेंट हाँ रात में मैं भी कई बार अपने बच्चे नाल परसनली ड्राइव करके मैं भी घूमती हाँ तो मैं नहीं लगता कदम मैं भी इस तरह इनसिक्योर फील होया हो बट कुछ प्रिकॉशन जिहड़ियां असी रख सकते हैं फोन साडे एमरजेंसी बटन हुंदा है जिहदे नाल इमीडिएटली 112 डायल हो जाता है अपने पावर बटन नूं दो बार प्रेस करके 112 डायल हो जाता है उस सिचुएशन सानूं ध्यान होना चाहिए मेरे फोन च पावर बटन ते 112 किवें डायल हो सकता जल्दी और सानूं एक बार वर्कआउट करके एक बार सीख लेना चाहिए दूसरा PCR चंडीगढ़ पुलिस की पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी असी देने फीमेल्स नू रात नू तो जे किसी को कन्वेंस नहीं है तो एवें दी जगह जाना जिथे उन्होंने सेफ महसूस नहीं हो रहा PCR कैन पिक एंड ड्रॉप द फीमेल्स तो ये भी साड़ी जड़ी स्कीम चल रही है या फिर नियरेस्ट कोई भी PCR या कोई भी पिकेट जी साड़ी रात में डिप्लॉयड है उत्थे जाके हेल्प ले सकते हैं थैंक यू मैम बहुत बहुत धन्यवाद तुसी न्यूज़ 18 दे न्यूज़ रूम दे विच आए मनोज तो बिल्कुल बहुत सारी चीज़ा मैम ने दसी विनेश कटारिया जी ने सर कोई सवाल मैम चलाना की आप गल कर रहे थे ऑनलाइन CCTVs की गल कर रहे थे चंडीगढ़ हूँ चलाना लैके भी बड़ा बदनाम हो रहा है स्पैशली जोड़े आउट ऑफ चंडीगढ़ तो व्हीकल्स आते हैं कुछ स्टेट्स के बछिंदा का कहना कि उन्होंने स्पैसीफिकली टारगेट किया जाता नंबर प्लेट देख के पंजाब वाले का भी यही गिला हूँ साढ़े को रिपोर्ट्स भी आदि हिमाचल वाले का भी यही गिला हूँ तो इसका की मैकेनिज़म है और दूसरा तुम दस्या CCTV अजक चलान कैच करते हैं तो उस CCTV का की है जी स्पीड लिमिट है उस दे थ्रू हों उस कोई गुंजाइश हो सकती है घट वध हो सकता है इससे प्लीज़ क्लैरीफाई कर दो देखो पहला जिहड़ा तुसी दस्या कि जिहड़ी साडी मैं दूसरे क्वेश्चन का पहले आंसर कर दाँगी CCTV कैमराज तो जिहड़ी एनफोर्समेंट हो रही है जिहड़े विजिबल क्राइम है जिहड़े सानू दूर तो दिख के पता लग जाता जिवें जंपिंग ऑफ रेड लाइट्स या नंबर प्लेट प्रॉपर पोजिशन नहीं है या फिर सीट बेल्ट नहीं पाई विजिबल क्राइम्स का असं चलान कर सकते हैं थ्रू कैमराज वो कैमराज जोड़े साढ़े कैप्चर हो के साथ कंट्रोल रूम चाहते हैं उत्थे साढ़े पुलिस परसोनल बैठे हैं जोड़े ट्रेनड है इस काम लिए उन्होंने वैट करते हैं वैटिंग तो बाद ही जोड़ा चलान है कन्वर्ट होंगे एक्चुअल चलान तो ये सिस्टम इस करके ईजाद किया गया कि कंप्यूटर कोई गलती ना कर दे तो उन्होंने असी कैप्चर कर सकी सैकेंडली जो नॉन विजिबल क्राइम है जिम्मे ड्रंकन ड्राइविंग हो गया वो उत्थे हले भी पुलिस की एनफोर्समेंट पूरी चालू है लेट नाइट साढ़े सारे इंपोर्टेंट जगह पूरे शहर च कैमराज सॉरी नाका लग रहे हैं तो उत्थे असीं एनफोर्समेंट कर रहे हैं मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सी जिहड़े आउट ऑफ चंडीगढ़ तो व्हीकल आंदे आउट ऑफ चंडीगढ़ ते जिहड़े आंदे पंजाब ट्रैफिक एनफोर्समेंट दी गल हां तुसीं जिहड़ी ट्रैफिक एनफोर्समेंट दी गल दसी सी उहदे च मैं दसना चाहुंदी कि ट्रैफिक एनफोर्समेंट एक बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है वन क्राइम कंट्रोल दा दूसरा एक्सीडेंट्स नूं घट करन दा असीं पिछे जे देखिया सी एक ओवर स्पीडिंग ऑटो ने एक साइकलिस्ट नूं आके पिछों हिट किया सी ओ इसे करके एनफोर्समेंट इसे करके ज़्यादा है ताकि सारे केयरफुल रह के ते अपने स्पीड लिमिट्स च रह के ट्रैफिक वायलेशंस ना करके ट्रैफिक रूल्स नूं मन के अपनी गड्डी चलान ताकि किसे मासूम दी जान ना जावे तो आई थिंक वायलेशन कैप्चर करना बड़ा जरूरी है तो एक लॉ एंड ऑर्डर नूं मेनटेन करन लई भी इहदा बड़ा वड्डा रोल है जो असी ट्रैफिक वायलेशन दे थ्रू असी उहनूं एनफोर्स करदे ठीक है मैम एक मैं ये अहम सवाल पूछना चाहते हैं ऑनलाइन जिहड़ी कंप्लेंट्स चंडीगढ़ पुलिस नूं जांदी है क्योंकि कई इस तरह के सवाल ने जो ऑनलाइन कंप्लेंट्स नूं लैके कई कन्फ्यूजनस होंदी है एक सवाल है प्रदीप का मैम मेरा इमीग्रेशन चीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे साथ खुद हुआ है मैं ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा के रिगार्डिंग मेरी वेस्टर्न ओवरसीज़ वालों से बात हुई थी उन्होंने कहा था कि आपकी प्रोफाइल सही है हम 100% आपका वीज़ा लगवा देंगे विजिटर वीज़ा उन्होंने मेरे से 50% पहले चार्ज किया जो मेरा ऑलमोस्ट 50,000 के अराउंड लग गया और उन्होंने जैसे ही लॉज की फाइल तीसरे दिन उन्होंने कहा कि आपकी रिफ्यूज़ल आ गई और आपकी प्रोफाइल सही नहीं थी मैंने कहा उनसे पूछा आप पहले कुछ बोल रहे थे बाद में कुछ बोल रहे तो आपको पैसा मेरा रिफंड करना चाहिए जबकि उन्होंने डॉक्यूमेंट भी प्रॉपर नहीं लगाए अब वो पैसा रिफंड नहीं कर रहे और 50,000 मेरा वो उसमें उन्होंने चार्ज कर लिया इसके लिए मैंने ऑनलाइन आज ही मैंने वो शिकायत आपको डाली है साइट पे तो क्या उस पर किसी तरह का एक्शन होगा मैडम देखो चंडीगढ़ पुलिस की जी ऑनलाइन कंप्लेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम है साड़ा इंटीग्रेटेड कंप्लेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम है 100% ऑनलाइन है
कोई भी रेजिडेंट कितने भी बैठा अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है तो वो कंसर्न यूनिट में चला जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਵਰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਅਕਿਊਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਲੈਜਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰੋਡ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਐੱਫ ਆਰ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਐੱਫ ਆਰ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਨਰਥ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮੈਮ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਲੈਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਮੈਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਲਾਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਓਵਰਆਲ ਲੋਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਲਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਡਲਟ ਮੇਲਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਫਰੈਸ਼ ਨਾਈਟ ਚੈਕਿੰਗ ਪਲਾਨ ਸਾਡੇ ਇਨਫੋਰਸ ਹੋਏ ਹੈ। PCR ਦੀ ਫਲੀਟ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵਹੀਕਲਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਹੀਕਲ ਸਾਰੇ ਰੋਡਸ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫੀਮੇਲਸ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਾਰੇ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਫੈਂਸਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵਿਜੇ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਸਰ ਮੈਮ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਜਾਈਏ, 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਸਮਝਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬੀਇੰਗ ਏ ਆਫੀਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਮੇਜ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਜਾ ਪਾਏ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਸ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਪਾਏ ਹੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਾਈਟ ਰੋਪ ਵਾਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ, ਬਟ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ 'ਚ ਡਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਟ ਰੋਪ ਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਟਰੈਡ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2-3 ਨਵੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਬੜਾ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਐਡਵਾਈਸ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਨਟੂ ਐਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਨ ਆਊਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਵਾਈਜ਼ 21 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਚਰਸ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਨੇ, ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸਿੰਗ 'ਚ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਥਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ 'ਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਏਪੈਕਸ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ DG ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ, ਜੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਕਲੂਡਿਡ ਫੀਲ ਕਰਾਈਏ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੀਂਗ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਹਾਇਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਾਂ ਉਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਫੰਡਸ ਦੇ ਉਸਦੇ ਯੂਜਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਸ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਕਿ ਫੰਡਸ ਦੀ ਇਸ਼ੂਐਂਸ ਜਾਂ ਫੰਡਸ ਦੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਡ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ PCR ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਲੀਟ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ PCR ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ
वैसे तो छोटे लेवल के मुलाजम तक कोई असं कहते ही नहीं किसी एवरी वन इज़ अ पुलिस ऑफिसर कॉन्सटेबल तो लेके उपर तक सारे पुलिस ऑफिसर ने तो कॉन्सटेबल तो हैड कॉन्सटेबल रैंक से ही सारे यूज करेंगे। उस तो बाद जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट की गल करते हैं समावेश केंद्र साढ़े सारे थाने नवे बने हैं उत्थे साढ़े पुलिस ऑफिसर्स ही बैठेंगे। जिन्नी भी साड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट है वो थाणिया ते यूनिट्स से फोकसड है। इसका मतलब वो जी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है साढ़े पुलिस ऑफिसर्स करके ही उन्होंने यूज़ हो रहा है। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछा कि उन्हों की जी ड्यूटी है वो सख्त बहुत है। नहीं वो ठीक थोड़ी गल है मैंने लग रहा है अठ अठ घंटे तुम पुलिस वैलफेयर की गल कर रहे हो वैलफेयर मैं दसना चाहती हूँ कि पुलिस वैलफेयर एक बहुत वाला मुद्दा है तो आम तौर पर समय समय से साढ़े डिपार्टमेंट्स की चर्चा रही है तो पुलिस वैलफेयर बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर अस तो असं समय समय से अलग अलग तरह के इनिशिएटिव लेंदे रहते हैं पुलिस वैलफेयर लिए पुलिस फैमिलीज की वैलफेयर लिए पुलिस ऑफिसर्स की वैलफेयर लिए। चंडीगढ़ पुलिस एक पुलिस फैमिली वैलफेयर सोसायटी अलग तो बनाई गई है जिस ऑफिसर की सारी फैमिलीज़ में इकट्ठा करके अलग अलग कल्चरल फंक्शन किए जाते हैं उन्होंने बच्चों कोचिंग असिस्टेंस दी जाती है। पुलिस ऑफिसर्स लई कंपलसरी वीकली रेस्ट का असी प्रोविजन रखी है ड्यूटी टाइमिंग्स नूं असी रेगुलेट करने की कोशिश की है। एवरीथिंग सेड एंड डन पुलिसिंग इज अ डिफरेंट जॉब डिफिकल्ट जॉब फॉर मी एंड फॉर ऑल ऑफिसर्स पुलिसिंग एक औखी नौकरी है क्योंकि जे आपां आर्मी दे नाल कंपेयर करिए तो उत्थे जिहड़ी ग्राउंडेड फोर्स है उन्हूं हमेशा ज़्यादा तवज्जो दित्ती जांदी है एज कंपेयर टू एयरफोर्स या दूसरियां सर्विसिज। सो कई बार जिन्हां ने ड्यूटी देनी है ग्राउंड ते रहना है क्रिमिनल्स दे नाल जिन्हां दा सिद्धा वास्ता होना जे उन्हां नूं इस चीज़ दा एहसास होएगा भी साडी फैमिली सिक्योर है पिछों तां फिर वो बंदा ज़्यादा जज्बे नाल ड्यूटी। नहीं तुहाडी बिल्कुल ठीक गल है जी HDFC दे नाल मिलके असी भी साडी 90 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी जिहड़ी नवीं आ रही है चंडीगढ़ पुलिस की लॉन्च हो चुकी है जिहड़े साडे मुलाजम हुणे ड्यूटी दौरान मरे है उन्हां दी फैमिलीज़ नूं वड्डे मात्रा च एक्सग्रेशिया अमाउंट भी दिता गया है ते समय समय ते असीं होर भी वैलफेयर मेजर्स लैंदे रहिंदे आं। आर प्रायोरिटी इज़ वैलफेयर ऑफ आर फोर्स ताकि वो भी टेंशन फ्री होकर तो अपना 100% काम मुराल बस 100% अपना दे सकन डिपार्टमेंट। तो बिल्कुल चमन जी ने मैम थोड़ा सा टाइम थोड़ा होर लवेंगे चमन जी थोड़ा सवाल। मैम ये चंडीगढ़ पुलिस का जो रिस्पांस रेट है वो टारगेट क्या सेट कर रखा है आपने और एवरेज कितना है मतलब एवरेज क्या निकलती है? चंडीगढ़ पुलिस PC 112 ते जे कॉल करो PCR दा रिस्पांस रेट साडा मैक्सिमम 4% है। 4% इज अ लेटेस्ट मतलब जब तो ज़्यादा टाइम 4 मिनट लगता है जिस दिन 5 या 6 मिनट हो जाए उस दिन असी ओवली कॉल का असी एनालिसिस करते हैं कि साड़ी PCR नू पहुँचने टाइम क्यों लग्या ज़्यादा। कई बार असी देखे कि साड़े बीट ऑफिसर्स चंडीगढ़ पुलिस बहुत स्ट्रोंग चंडीगढ़ शहर च बीट सिस्टम बहुत स्ट्रोंग है। हर थाने विच घट तो घट 15-16 बीट्स ने जिथे साडे बीट ऑफिसर्स मौजूद रहिंदे ने बीट्स च। कई बार ये भी देखा गया कि PCR तो पहले साडे बीट ऑफिसर उत्थे पहुँच जाते हैं विदिन 30 सैकेंड विदिन 1 मिनट भी पहुँच जाते हैं तो साड़ा रिस्पोंस टाइम तो बहुत घट है। मैं तो मैक्सिमम दस सकती हूँ कि 4 मिनट है उस तो ज़्यादा जो हो जाए तो वी टेक इट एज एन एक्सैप्शन तो असं इंप्रूव करने की कोशिश। ठीक है ठीक है। तुसी चंडीगढ़ भी काम कर रहे हो तुसी पंजाब च भी काम किया है तो चंडीगढ़ च फास्ट क्यों है तो सानू शिकायत आदि हैं कि जिमें मोहाली लै लो कि पुलिस बहुत लेट पहुँचती है या पंचकूला लै लो मतलब की फर्क है? आई थिंक चंडीगढ़ च रिसोर्सिज का बहुत वड्डा फर्क है। एक तो पुलिस फोर्स साढ़े को कंपैरिजन पर लैक पॉपुलेशन पुलिस जी मेजर करते हैं पर लैक पॉपुलेशन के अगेंस्ट मेजर करते हैं और चंडीगढ़ में रेशियो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू पंजाब एंड हरियाणा उदा बड़ा फर्क पै जाता है। थाने जी वर्केबल फोर्स है साढ़े को ज़्यादा है PCR वर्गी फ्लीट ही साढ़े को 400-500 मुलाजम साढ़े को तैनात है तो वाला रिस्पोंस टाइम का बहुत फर्क पै जाता है। ठीक। अच्छा ड्रिंक एंड ड्राइव के जो नाके लगते हैं तो कुछ लोग शिकायत करते हैं कि जो पाइप है वो कई बार कहते हैं जूठी होती है और फूंक मरवा दी जाती है तो उसके लिए क्या है मतलब हर व्यक्ति के लिए एक नई पाइप देनी होती है क्या मतलब? नहीं वो जूठी पाइप नाल कोई फर्क नहीं पैंदा जी इट इज ओनली आफ्टर यू ब्लो कि वो डिटेक्ट करता है जे ओदे च कोई ट्रेस ऑफ अदर सलाइवा होवे भी तां भी वो डिटेक्ट नहीं करता। एक क्वेश्चन आंदा मैम कई बारी कई लोग नहीं नहीं मैं तुहाडी गल समझ रही हां बट क्योंकि वी हैव प्रोक्योर्ड वी हैव टेस्टेड ते असी वो देखे हैं जदों प्रोक्योर किए हैं तो जो उत्थे कोई ट्रेस होवे ओनू डिटेक्ट नहीं करता ओनली जिहड़ी ब्लो हो रही है ओनू ही डिटेक्ट करता है तो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड। ठीक है बस शॉर्ट टाइम एक हाँ जी सो बेसिकली मैम मेरा सवाल ये है कि क्रिमिनल्स दी बॉडी लैंग्वेज कोई भी केस सॉल्व करन च या फिर कोई भी किसी भी क्राइम कोई करके आ रहा है कई बार तो एवें होंदा कि क्रिमिनल खुद ही रिपोर्ट लिखा दिंदा कि उस केस दे विच कोई क्रिमिनल दी बॉडी लैंग्वेज किस तरह का थानू की इंडिकेशंस दिंदी है कि हाँ मतलब हाँ ही इज़ द वन और कुछ इस तरह। आई थिंक पुलिस ज़्यादा डिपेंड करती है एविडेंसिस ते रादर दैन बॉडी लैंग्वेज एंड अदर विजिबल फीचर्स तो असी एविडेंस से ज़्यादा रिलाई करते हैं क्योंकि इन दी एंड एविडेंस ही हुई है जो सानू कोर्ट पेश करने ते कन्विक्शन लेनी है। बट जिहड़ी तुसी गल कर लिओ बॉडी लैंग्वेज की तो इस तरह की चीज़ें सानू उन्हां दी इंटरोगेशन च मदद करती है किवें दा रिस्पोंड कर रहे हैं किवें मतलब
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਮ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂਅਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਯੈਲੋ ਪੱਟੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਪਾਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਨ ਮਿਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਹੈ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਜਾਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਪੀਡ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚਲਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਸੇਫ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਚਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਲਾਨ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਆਪਾਂ SSP ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ID ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈਮੇਲ ID ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਅ ਕਾਪੀ ਆਫ ਦਾ ਚਲਾਨ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਓਫੈਂਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਟ ਰੋਪ ਵਰਕ, ਬਟ ਜੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਠੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 43 ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਿਰਫ ਚਲਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰਸ ਆਫ ਚਲਾਨ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ 43 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਅਤੇ ਈ ਕੋਰਟ ਇਹਦੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚਲਾਨ ਉੱਥੇ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਭੁਗਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਮ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਮ ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਮੈਮ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟ ਕੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਯੂਥ ਹੈ, ਯੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਡੇਰਾ ਬਸੀ, ਮੋਹਾਲੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੁਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਡਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਹੈ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਇਨ ਸ਼ੋਰਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇ, ਡਰੱਗ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ, ਐਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਨਫੋਰਸਮਿੰਗ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਓਫੈਂਡਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੜੀਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਮੈਮ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ SSP ਕਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਲਾਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, CCTVs ਕੈਮਰੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।